क्या है इस वक्त? सी मनी करने का सही मायने में अभी मेरी ज़िंदगी है, तो इसको जब हमने इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचा, इसका इक्वेशन देखा हमने, तभी हमने सोच लिया था, तभी हमें पता था कि बहुत ही बड़ी कहानी है। जो सब्जेक्ट मैटर इज़ रियली रियली लार्जर देन लाइफ, ये एक वो कहानी है जो कि हमारे देश की कहानी है। हर घर में रानी लक्ष्मीबाई है जैसे हम बोलते हैं, तो ये कहानी जो हम सब लोगों से जुड़ी हुई है और एक एक हीरो की कहानी है, एक सिंबल ऑफ हीरोइज्म जिसको हम बोल सकते हैं, ये वो कहानी है। सो व्हेन दिस आइडिया केम टू माय माइंड एंड थॉट केम टू माय माइंड, आई वाज वेरी वेरी एक्साइटेड। एंड जो पहली चीज़ जहन में आई कि इसका रोल कौन करेंगे, तो विदाउट एनी डाउट इट वॉज देयर इन माई माइंड दैट कंगना इज द मोस्ट सुटेबल वन टू डू दिस फिल्म, यू नो। एंड क्योंकि वो रियल लाइफ में भी शी इज़ लाइक रानी लक्ष्मीबाई, यू नो, एंड शी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स, इन फैक्ट फाइनेस्ट एक्टर्स इन द कंट्री टुडे। और वो उन्होंने वो दिखता भी है, अगर आपने जब टीज़र देखा तो शी लुक्स एब्सोल्युटली द पार्ट, एंड शी हैज़ वर्कड वेरी वेरी हार्ड फॉर दिस रोल। And I must say that she has worked extraordinarily hard to be you know, portraying the character, and she has sort of given her life to this film. On screen, जो उनकी duties हैं as an actor, वो तो it's superlative, and off screen also भी जो जिस तरह से वो अभी हम सबको बांधे हुए हैं और इस तरह से उन्होंने बाकी सब जगह भी कॉन्ट्रीब्यूट किया हर फील्ड में टू मेक दिस फिल्म एज अ कैप्टन ऑफ द शिप। शी इज़ वर्किंग वेरी वेरी हार्ड। आई एम वेरी ऑनेस्ट दैट आई हैव नेवर सीन समवन वर्किंग सो हार्ड 24/7 एंड गिवन हर लाइफ टू द फिल्म द वे शी इज़ गिविंग इट, यू नो, एंड विच इज़ अ वेरी वेरी हैप्पी फीलिंग, यू नो, दैट ऑल ऑफ अस एज अ टीम आर वर्किंग वेरी हार्ड कलेक्टिवली टूवर्ड्स द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट। कमल जी, आपने कहा कि वो रियल लाइफ में भी रानी लक्ष्मीबाई है, ऐसा आपको क्यों लगा और कब? सीधा हम बोलते हैं रानी लक्ष्मीबाई, तो एक वो करेक्टर है जो बहुत ही निडर है, ये बहुत करेक्टर है जो कि बहुत ही ऑनेस्ट है और हर तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करना जानता है, किसी तरह का कोई उनको डर नहीं है किसी चीज़ से, तो एक उस तरह का करेक्टर है। तो एक अगर रियल लाइफ में भी देखें तो कंगना रनौत जी वैसी ही हैं, जो कि बहुत ही अपने आप को एक्सप्रेस करने में बिलीव करती हैं, निडर हैं और बहुत ही अच्छी एक्टर भी हैं। और इस पर्टिकुलर करेक्टर को प्ले करने के लिए मुझे नहीं लगता कि उनके अलावा किसी और को हम चूज़ कर सकते थे। आपने कहा कैप्टन ऑफ द शिप, जब आपने साइन किया था तब वो सिर्फ एक्ट्रेस थी और अब जो दूसरा मतलब पर कैमरे के पीछे भी वही हैं, तो ये डिसीजन लेना आपके लिए कितना आसान रहा या कठिन रहा या क्या कुछ चल रहा था उस वक्त, क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही थी? ना, सो बेसिकली जैसे कि पहले हम ऑलरेडी हैव गिवन माय प्रेस नोट ऑन दिस this particular aspect, so would not like to comment anything additional on that. We all are working as a team now, and she's been working harder and on to see to it that we really sail through nicely, and there have been and it's really come out well. I mean, I must say that now we finished the shooting. Yeah, अभी now हमारी shooting खत्म हो गई है, almost हमारा काम post production में है और film बहुत ही अच्छी लग रही है, आप सब लोगों ने teaser देखा ही है, तो एज ए टीम हम सब लोग एक दूसरे को व्हाट यू कॉल इट, जो एक फिल्म मेकिंग में होता है साथ रह के, जो भी हमको डिसीजंस लेने हैं, जो भी हमको काम करने हैं, जैसे प्रसून सर हैं, विजेंद्र प्रसाद सर हैं, सब उनकी राइटिंग है, उन्होंने फिल्म को बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा है, और कंगना जी उस चीज़ को देख रही हैं और उस चीज़ को अभी एग्जीक्यूट कर रही हैं सब चीज़ों को। और आई वुड लाइक टू मेंशन हियर जी टीवी ऑल्सो एंड जी स्टूडियोज़, जो कि उन्होंने काफ़ी अच्छा, मतलब हमारे काफ़ी स्ट्रॉन्ग पार्टनर हैं पुनीत जी, उनका विजन है, और शारिक एंड जी टीम, आई मस्ट थैंक देम एज़ वेल, क्योंकि सब लोग हम सब साथ में वी हैव बीन हेल्पिंग ईच अदर टू यू नो इन टर्म्स ऑफ मेकिंग दिस प्रोडक्ट व्हाट वी आर सपोज टू मेक दिस। ये बहुत ही, जैसे मैंने बताया, लार्जर देन लाइफ सब्जेक्ट है और बहुत ही वर्ड से बहुत ऑनेस्ट इंटेंशन से हमने इसे बनाया है, और हम वी आर वेरी प्राउड कि हम
वी आर गेटिंग चांस एंड अपॉर्चुनिटी टू शोकेस द बेस्ट पॉसिबली द बेस्ट इंडिया स्टोरी टू द वर्ल्ड. वो टॉपिक ही ऐसा है क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट लेवल वहीं बढ़ जाता है जब टॉपिक की बात आती है. तो शूट में शूटिंग जब चल रही है बहुत से, क्योंकि हर दिन हम लोग उनका नया लुक देखते हैं ये सब, तो क्या इसमें रीशूट भी कुछ करना पड़ा या जो है उसी को आप लोगों ने आगे बढ़ाया है? सो अगर आप देखें तो कोई भी फिल्म मेकिंग एक नॉर्मल प्रोसेस होता है. आप एडिट देखते हैं, एडिट देखने के बाद में आपको कुछ कुछ चीज़ें और ऐड करने का मन करता है, तो हम वही सब चीज़ें कर रहे हैं इस बार, क्योंकि जो भी फिल्म के एनहांसमेंट के लिए है, जो भी फिल्म के बेटरमेंट के लिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है जैसे आपने भी बताया कि सब्जेक्ट मैटर इतना इंपॉर्टेंट है और इतनी लार्जर देन लाइफ स्टोरी है. इसमें हम एज ए टीम कुछ भी नहीं चाहते हैं कि कुछ ऐसा छूट जाए हमसे जिसमें कि बाद में हमें लगे कि अरे ये तो हम नहीं कर पाए, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई है, बार बार नहीं बनेगी फिल्म, यू नो. तो इसलिए हम सब के एज ए टीम एफर्ट, जैसे मैंने बताया जी स्टूडियो, कंगना जी, हम सब लोग मिलकर इतने एफर्ट्स इसमें डाल रहे हैं कि सब चीज़ इसमें हर तरह से करेक्ट हो. और जब हम ऑडियंस उसको देखें, पूरा ना हिंदुस्तानी नहीं पूरे वर्ल्ड में सब लोग उसको देखें, तो हम सबको प्राउड फील हो कि ये हमारी कहानी है और हमने उसको सही तरीके से प्रेजेंट किया है. तो आप देखिए, जब मैंने फिल्म चालू भी की थी तो सब्जेक्ट मैटर इतना बड़ा था, तो उसके हिसाब से मैंने जिन भी हमने उन लोगों को सेलेक्ट किया, चाहे प्रसून सर हों, विजयन प्रसाद सर हों, शंकर एहसान लॉय सर हों, निक पावल जो हमारे एक्शन डायरेक्टर हैं जिन्होंने ब्रेव हार्ट एंड ग्लैडिएटर सब की बड़ी फिल्में की हैं, इतनी अच्छी टीम हमने खड़ी की है इसके लिए, कंगना जी हर सेल्फ, यू नो, अनीता लुल्ला जी एंड ऑल दैट, तो सब इतने दिग्गज लोग हैं जो कि इस फिल्म सब्जेक्ट के साथ जस्टिफाई कर सकें. एंड जी टी वी, यू नो, आई डोंट थिंक एनी बेटर स्टूडियो देन जी स्टूडियो हु कैन रियली शोकेस और मार्केट द फिल्म टू द वर्ल्ड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छी टीम बनी और टीम ने बहुत ही मेहनत करके इसको यहाँ तक लेके आए. बाकी जो भी चैलेंजेस या जो भी कंट्रोवर्सीज हैं, वो आई थिंक इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द फिल्म. एज ए प्रोड्यूसर मैं ये बोलता हूँ कि अगर ये सब चीज़ें इन सब चीज़ों से कुछ हमें तकलीफ होने लग जाए तो हमें प्रोड्यूसर होने का हक नहीं है, यू नो. ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं, मतलब हर फिल्म मेकिंग में कुछ ना कुछ इस तरह से होती हैं. और आई डोंट थिंक देर इज एनी इशू एनी वेयर. देर आर इन एवरी वर्क वॉट एवर वी डू देर आर सम प्रॉब्लम्स एंड सम इशूज एवरी वेयर विल कम एंड ऑल. हम सबको उसको ओवरकम करना है और आई एम एंजॉइंग एवरी बिट ऑफ इट, जो भी हुआ अभी तक है और जो भी आगे हो रहा है, जो भी हम सब्जेक्ट जिस तरह से हमारी फिल्म बन रही है, आई एम रियली एंजॉइंग एवरी बिट ऑफ इट एंड वर्किंग वेरी हार्ड टूवर्ड्स इट. जो अभी हमारा मेन चैलेंज अब यही है, क्योंकि ये टीज़र इतना सक्सेसफुल हो गया है कि हमने खुद ने नहीं सोचा था कि ये इट विल बी सो सक्सेसफुल, सो इम्पैक्टफुल, कि हमारे एक्सपेक्टेशंस हमारे से काफ़ी बढ़ गई हैं. तो हमको वी हैव टू ऑडियंस को हमको उस एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरना है. तो जो भी मार्केटिंग यूनिट आएगी या जो भी फिल्म है हमारी, इट हैज़ टू सरपास ऑल दोज एक्सपेक्टेशन जो हमने बिल्ड की हैं. हमारी जो डिजिटल टीम है, उन्होंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया है टीजर, जहाँ पे आई थिंक 11 मिलियन हिट्स लेस देन 24 आवर्स में जो हुए हैं, वो काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है. और उसमें 500,000 लाइक्स और 50,000 कमेंट्स, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है. मतलब किसी भी बड़ी स्केल की फिल्म से भी काफ़ी हमने आगे निकल गए, रिकॉर्ड्स काफ़ी थे. और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी कमेंट्स हमें मिले हैं, वो सारे कमेंट्स यूनानिमसली वन है दैट एवरीबडी सेइंग इट्स गूज बम्प, यू नो, एंड इट्स वेरी इंपैक्टफुल. तो अभी तक तो आई हैव टू स्टिल कम अक्रॉस अ पर्सन हु सेइंग नो, हमको पसंद नहीं आया, एक भी इंसान अभी तक ऐसा मिला नहीं. तो ये बहुत बड़ी बात है. सर, आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि क्योंकि आप प्रोड्यूसर हैं, सुपर 30 भी सेम समय पे रिलीज होने वाली है, तो एज अ प्रोड्यूसर आपका क्या गेम प्लान होने वाला है और उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि दो बड़ी फिल्में एक टाइम पे आती है तो फिल्म दोनों फिल्मों को नुकसान तो होता ही है, मतलब बिजनेस बढ़ जाता है, तो एज अ प्रोड्यूसर आप क्या सोचते हैं इस बारे में? जी, आप अगर देखिए, हमने बहुत ही स्ट्रैटेजिकली हमारी डेट्स जो चूज़ किए हैं रानी लक्ष्मीबाई फिल्म के लिए, मणिकर्णिका के लिए, 15 अगस्त को हमने पोस्टर रिलीज़ किया, क्योंकि इसकी इन सब डेट्स की बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है हमारी लाइफ में एज ए भारतीय, चाहे वो 15 अगस्त हो, चाहे 2 अक्टूबर हो, या 26 जनवरी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स हैं हमारी लाइफ में. और ये सारी डेट्स बिलोंग करती हैं हमारे देश के देशभक्ति से या नेशनलिस्ट होने से जुड़ी हुई हैं सारी, यू नो. तो हमारी फिल्म जो है एक देशभक्ति की नेशनलिस्ट फिल्म है, जो कि हमारे पूरे हिंदुस्तानियों को इंस्पायर करेगी, मोटिवेट करेगी, एंटरटेन करेगी. तो हमारी फिल्म के लिए यही डेट्स, हम फॉरगेट रिलीज ऑफ द फिल्म की हम अगर बात करें, हम तो टीज़र के लिए भी 2 अक्टूबर सोच रहे हैं और 2 अक्टूबर हमने अचीव किया है. 15 अगस्त पोस्टर के लिए सोचा है और हमने उसको अचीव किया है, क्योंकि हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट है. हम इसको कोई भी चीज़ को लाइटली नहीं ले रहे हैं, हर डेट्स को हम बहुत ही तरीके से सोच समझ के हम उसको लॉन्च कर रहे हैं. तो हमारे लिए डेट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेट्स की सिग्निफिकेंस है हमारे लिए. तो हम हमारी फिल्म को
26 जनवरी पे इसीलिए रिलीज़ कर रहे हैं क्योंकि वो डेट एक हमारे सब्जेक्ट मैटर को बहुत अच्छे से सूट करती है। तो हम खाली वही सोच रहे हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं सोच रहे हैं कि कौन सी दूसरी फिल्म आ रही है, नहीं आ रही है, क्या कॉम्पिटिशन नहीं है। सो आई वुड लाइक टू रिफ्रेन ऑल्सो टू कमेंट फ्रॉम दैट, बट हमारे लिए वो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया, फॉरगेट द रिलीज डेट, इवन टीजर डेट फॉर अस 2 अक्टूबर वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी अचीव दैट एंड वी हैव सीन द रिजल्ट्स। यू नो सर, इसके बारे में क्या कहेंगे, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इस तरह से मिल रहा है, कमेंट्स अच्छे आ रहे हैं टीजर को। एक तरह से ये भी कहा जाए कि जैसे ट्रेंडिंग पेजेस होते हैं उन पर ना आए बिना भी इतने सारे व्यूज आ चुके, इतने मिलियन और शेयर हो रहे हैं, तो आपके लिए कितनी बड़ी बात है ये? ये बहुत खुशी की बात है। मैं मतलब ये व्हाट्सएप, चलो ये तो यूट्यूब में तो बहुत ही बड़े नंबर्स आ रहे हैं, बहुत ही, जैसे मैंने बताया, यूनानिमसली सब लोगों को पसंद आया। और हम जब बना भी रहे थे टीज़र, तो हमें अंदाज़ा था कि हमारा टीज़र सबको पसंद आएगा, क्योंकि इसमें बहुत स्केल है, बहुत इम्पैक्ट है और बहुत यूनिकनेस है। यूनिकनेस इसमें यह है कि हमने आज तक कभी भी किसी फीमेल लीडर को इस तरह से लड़ाई करते हुए, एक्शन करते हुए नहीं देखा है। तो एक बहुत यूनिक बात है। यू नो, हमने अभी तक मेल एक्टर्स को ही देखा इस तरह से करते और इतने कन्विंसिंगली, क्योंकि मेरे को ये आई मस्ट गिव इट टू कंगना रनावत दैट शी हैज़ वर्क इमेंसली हार्ड ऑन एवरी सिंगल एक्शन सीन ऑफ द फिल्म। सारे एक्शन उन्होंने खुद से किए हैं, उनको 16 टांके भी आए थे, उसके बावजूद भी वो वापस से अगले दिन सेट पर आई है। उन्होंने घुड़सवारी की है और तलवारबाजी की है, सब कुछ उन्होंने खुद ने किया। हार्नेस पर खुद खड़े होकर 6-6 घंटा उन्होंने वो फ्लाइंग वाले डिफ़िकल्ट सीन्स उन्होंने खुद से किए हैं। तो मतलब ये अपने आप में बहुत ही, मतलब ये हम सबको बहुत इंस्पायर करके, बहुत मोटिवेट करने वाली बात है। इस तरह के भी एक्टर्स हमारे यहाँ पे हैं आज जो हिंदुस्तान में, जो कि हर तरह के रोल को चैलेंजिंग तरीके से एक्सेप्ट किया उन्होंने और किया है। आज अब अगर इंटरनेशनली भी देखें तो बहुत सारे सुपर हीरोज़ की फिल्म, एवेंजर्स की हो, बट उन सब में स्टैंड आउट होती है वंडर वुमन। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनली भी ऑडियंसिस को ये चीज़ एक यूनिक लगती है कि यार एक औरत किस तरीके से, मतलब कन्विंसिंगली फाइट करके बड़े से बड़े दुश्मन को हरा सकती है। दैट्स वाई वंडर वुमन इज सो सक्सेसफुल, राइट? तो वो चीज़ आप हिंदुस्तान में भी आप देखिए। इस फिल्म की एक बहुत बड़ी यूनिकनेस है, सब ऑल फीमेल्स ऑडियंसेज व्हेन दे विल गो टू थिएटर, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ उनको उस पिक्चर में मिलेगी जिससे वो अपने आप को रिलेट करेंगी। चाहे वो बच्चे का, माँ का रोल हो, चाहे वो पत्नी का रोल हो, चाहे वो क्वीन का रोल हो, चाहे वो वॉरियर का रोल हो, इसमें इतने शेड्स हैं उसके और इतने, मतलब एक तरह से बहुत ही बड़ी कहानी है। तो इट्स गॉड्स रिटन स्क्रिप्ट इन अ वे, यू नो, जहाँ आपको हर तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। यू नो, जब हम जब स्टोरी टेलर्स जब हमारे पास आते हैं कि स्टोरी में क्या, यू नो, यूनिकनेस है क्या, तो इस, ये तो सब्जेक्ट ही ऐसा है, तो हर किसी को ये, मुझे लगता है, ये कहानी उस तरीके से पसंद आएगी। रानी लक्ष्मीबाई को हम किताबों में इतिहास में पढ़ा करते थे, बड़े सिनेमा में। हाँ, जैसे हमने बताया, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी, तो आज अमित जी की आवाज़ में उस, जो आपने सुना, आई मीन जो भी आपने देखा, तो उससे भी आप देखिए कि किस तरीके से, मतलब आज हम इट रिकलेक्ट्स, जो हमने आज तक बचपन से आज तक पढ़ा है, इट रिकलेक्ट्स दैट, रिमाइंड्स अस द सेम थिंग, यू नो। तो उस तरीके से मुझे लगता है कि ये एक अपने आप में बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। और जो मैंने बताया कि काफ़ी हम 15 दिन से सोच रहे थे कि इतना अच्छा हमको शायद रिस्पॉन्स मिलेगा, बट हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इट इज एक्सीडेड द आवर एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ द रिजल्ट्स व्हाट वी हैव गॉट ऑन द टीज़र एंड 18 मिलियन विद इन 2 डेज। आई मीन इट्स हार्टफेल्ट थैंक्स टू एवरीवन, ईच एंड एवरीवन हु हैज वर्कड ऑन दिस वेरी वेरी हार्ड एंड यू नो गिवन अस व्हाट वी हैव गॉट इट, यू नो। एंड ऑडियंसिस का जो रिस्पॉन्स हमको मिला है उससे तो आई मीन तहे दिल से सबका धन्यवाद देते हैं कि काफ़ी कुछ मतलब हमें खुशी मिली है इससे, और हम सबकी एक्सपेक्टेशंस पे हम लोग करे उतरेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे हाथ में है। और लुक फॉरवर्ड टू रिलीज ऑफ द फिल्म ऑन 25 जनवरी। आई एम श्योर दैट ईच एंड एवरी इंडियन विल बी प्राउड ऑफ। ट्रेलर का भी इंतजार है। अब तो एक्चुअली ये सही बात बोली आपने, हर मार्केटिंग यूनिट हर ट्रेलर का सबको इंतजार है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी फिल्म है जिसके ट्रेलर का भी लोगों को इंतजार है। तो यू नो इट गिव्स अ वेरी गुड फीलिंग टू अस, यू नो, एज मेकर्स। Thank you, sir. Thank you very much. Thank you.